मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रयागराज जनपद के जो है मांडा थाना अंतर्गत मांडा पावर हाउस में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर आए दिन भारतगंज, चकडीहा, महेवा, हर जगह लाइट कटती रहती है, आखिर इसका कारण क्या है? और ट्रांसफार्मर भी आए दिन जले रहते हैं। आइए इसके लिए मैं यहाँ के जो जेई साहब हैं, मैं जेई साहब से बात करता हूँ कि आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि गर्मी का माहौल है, गर्मी का समय है, इसमें काफ़ी जनता परेशान हो रही है। आइए हम जेई साहब से बात कराते हैं। जेई साहब बताएंगे जो है ये लाइट इतना क्लिप क्यों कर रही है? अभी देख रहे हैं ट्रांसफार्मर भी जल जाता है तो जल्दी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग शिकायत पत्र पे पत्र देते जा रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी न तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए फुर्सत है, न तो बिजली की व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए सही। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो रोस्टिंग हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से होना रोस्टिंग। अच्छा ये बताएं रोस्टिंग कब कब लगती है? बता रहा था लखनऊ की शक्ति कौन सा देश आता है। अच्छा बताता है जिला 31 सभी स्टेशन पर जी वहाँ सप्लाई हमारे यहाँ 35 की भी आती है। जी 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 हमारे यहाँ सप्लाई नहीं रहती है, रोस्टिंग खत्म हो जाती है तो सप्लाई लोग लगाते हैं। अच्छा सर आपका नाम? सियाराम यादव। ठीक है आइए हम यहाँ के जो है SSO से बात कराते हैं। महोदय आपका नाम? जी बताएंगे कि ये ट्रांसफार्मर जैसे जल जाता है और लोग शिकायत लेके आते हैं जल्दी ट्रांसफार्मर नहीं लग पाता, इसका कारण क्या है? उपभोक्ता शिकायत लेके आते हैं केवल मोबाइल पकड़ते हैं मोबाइल, उस समय सारे लाइन मैन काम करते हैं उसी समय उपभोक्ता शिकायत मोबाइल करते हैं, जबकि हमारे यहाँ सर्विस स्टेशन पर शिकायत पुस्तिका रखी है। कोई उपभोक्ता ये नहीं कह सकता कि पावर हाउस में जाकर शिकायत किया हो लाइन ना बना हो, ठीक है? वो लाइन अगर शिकायत करते हैं तो 2-3 घंटे में हम विद्युत आपूर्ति को बहाल करेंगे, लेकिन मोबाइल पर शटडाउन लेना मना है। इसलिए वो अगर वो आएंगे कंप्लेन हमारा दर्ज करेंगे, बिजली का बिल उनका जमा होना चाहिए, तभी कंप्लेन को दूर किया जाता है। तो सर आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई आपको लिखित तौर पे जो है प्रार्थना पत्र दे तब आपको जैसे जैसे किसी उपभोक्ता की लाइन गड़बड़ हो गई है अगर हमारे पावर हाउस में कंप्लेन रजिस्टर है वो आके अपना कनेक्शन नंबर लिखाएं, मोबाइल नंबर लिखाएं, नाम लिखाएं, पता लिखाएं, मोहल्ला किस मोहल्ले से गड़बड़ तभी हम लोग जानेंगे किस मोहल्ले की लाइन गड़बड़ है और कहाँ अपने लाइन मैन को भेजें कि पता एकदम क्लियर होना चाहिए। धन्यवाद आपने जी हैं, हम उनसे बात कराते हैं क्योंकि भारतगंज की जनता आए दिन इनसे शिकायत करती रहती है और उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, क्यों बताएंगे रघुभूषण जी? भारतगंज की जनता आपसे बराबर शिकायत करती है। मैं हिंदू महासभा का जिला चुनाव मंत्री हूँ, वहाँ क्षेत्रीय लोग से उम्मीद रखते हैं हमसे समस्या का समाधान के लिए, इसलिए हमारे पास आते हैं, उनके समस्या का मैं समाधान भी कराता हूँ, चाहे विभाग से लड़ना पड़े, चाहे जनपद में से लड़ना पड़े, अधिकारी लड़ना पड़े, लड़के उनका समाधान कराता हूँ। और जो समस्या आपने अभी हमारे सामने जेई साहब से पूछा कि बार बार टीपिंग क्यों हो रही है या फॉल्ट क्यों हो रहा है, इसका दो कारण है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा जर्जर तार और दूसरा उपभोक्ता खुद है, घर में 1 किलोवाट का कनेक्शन लेके 10 किलोवाट का स्टेपाइजर चलाते हैं, घर में एसी चलाते हैं, 2-3 एसी चलाते हैं और कटिया लगा के भाई विभाग न जोड़े डंडा फंसा के कहीं छत काट के वो करते हैं। तो सर क्या आप ये बताएंगे क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं हो रही? होती है, क्यों कर रहे हैं? होती है भाई छत से फंसाए हैं और निकाल लिए तार खींच लिए, जब अधिकारी जाते हैं कोई सूचना होती भाई व्यक्तिगत आपके घर पर जाएंगे नहीं, हम मार्केट में गए अधिकारी वो अपने छत से तार खींच लिए और 1 किलोवाट का कनेक्शन लेके 5-10 किलोवाट की सप्लाई चलाते हैं, क्यों भाई? जगह 1 किलोवाट कनेक्शन है तो 1 किलोवाट में आपका बिजली जल जाना चाहिए, नहीं उसके बाद जिसका 2 किलोवाट हो गया तो तुरंत चिल्लाएंगे कि हमारा 2 किलोवाट हो गया। भाई हम सर जितना उपयोग कर रहे हैं आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से जाता हूँ, जो बिजली का दुरुपयोग किया जाता है पूरे भारतगंज में 90% लाइट दिन भर जलती रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं, बिजली बचाएंगे तो हमें बिजली मिलेगी। बरोबर सही बात कहा है आपने। जिस प्रकार से अभी जेई साहब ने कहा कि अभी रोस्टर का प्लान जो चल रहा है कट जाती है बिजली जिगना से, इसलिए बराबर बिजली नहीं मिल पा रही है। SSO साहब से भी बात हुई, जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, रविभूषण ने भी अपनी बातों को रखा कि बिजली का गलत दुरुपयोग जनता कर रही है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आए दिन जो है ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ने के कारण ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, तो इसकी सूचना हम ऊपर के अधिकारियों को देंगे
किस तरह की जैसे समस्या है उसको दूर किया जाए। इस चैनल पे दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ।